एनएसए अजीत डोभाल की चीन यात्रा के बाद अब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज चीन के दौरे पर जाएंगी। सुषमा 22 अप्रैल को चीन पहुंचेंगी। सुषमा के दौरे का चीन बेसब्री से इंतजार कर रहा है। खबर है कि चीन सुषमा स्वराज के सामने नेपाल, भारत और चीन के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रस्ताव पेश कर सकता है। चीन के विदेश मंत्री वांग याई ने बुधवार को तीनों देशों के बीच इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण पर चर्चा की थी। खास बात यह है कि चीनी विदेशी मंत्री की ये बातें उस समय कही गई जब नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली बीजिंग में मौजूद थे। आपको बता दें कि चीन नेपाल के साथ मिलकर हिमालय के दुर्गम रास्तों पर कनेक्टिविटी मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। नेपाल की नजदीकी भी इन दिनों चीन से बढ़ी है। नेपाल के विदेश मंत्री ने बीजिंग में कहा कि उनका हमेशा से सपना है कि वो हिमालय की खूबसूरती का आनंद उठाते हुए ट्रेन से चीन तक का सफर तय करें। दरअसल चीन किसी भी तरह से भारत को वन बेल्ट वन रोड परियोजना में शामिल करना चाहता है, क्योंकि इसके बिना उसका प्रोजेक्ट अधूरा है। लेकिन भारत इस परियोजना से इसलिए दूर है क्योंकि ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। भारत मानता है कि CPEC और BRE दोनों ही उसकी संप्रभुता के खिलाफ हैं।